लेक्चर का पार्ट टू। अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जनूबिहिम व यतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़ि अस्समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुबहानका व क़िना अज़ाबन्नार। ज़िक्र और फ़िक्र में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि ज़िक्र तो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का मतलूब है और फ़िक्र और तफक्कुर इसकी मखलूकात में मकसूद है। अकाबर एहले मार्फत की वसीयत है कि अल्लाह ताला की पैदा की हुई निशानियों में गौर व फिक्र करो, मगर खुद खुदा की ज़ात और सिवाब में गौर व फिक्र न करो कि वह तुम्हारी रसाई से बालातर है। तो जब आप गौर व फिक्र करते हैं तो आप कह उठते हैं, ए अल्लाह आपकी ज़ात आबासा और बेकार काम करने से मुबर्रा है, आप नहीं ये काम कर सकते और पाक है। इन पुर हिकमत काम का सिलसिला किसी अजीम नतीजे पर जाकर ख़त्म होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरत यह है कि सोचा जाए। और अकलमंद लोग कौन हैं? बारहा मैं बता रही हूँ, अकलमंद लोग वही हैं जो गौर व फिक्र करते हैं, जो देखते हैं कि मेरे रब ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लम ने इमरान बिन हसैन से फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठकर, और ये भी ना हो सके तो लेटे लेटे सही, यानी किसी हालत में अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल मत रहो, दिल से और पोशीदा और जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो। ये लोग आसमान और जमीन की पैदाइश में नजरे दौड़ाते और इनकी हिकमतों पर गौर करते हैं, जो उस खालिक के यकता की अजमत और कुदरत, इल्म और हिकमत और इख्तियार और रहमत पर दलालत करती है। हजरत शेख सुलेमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, घर से निकलकर जिस चीज पर मेरी नजर पड़ती है, मैं देखता हूँ कि इसमें अल्लाह की एक नेमत मुझ में मौजूद है और मेरे लिए वो बहस इबरत है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, एक घड़ी गौर व फिक्र करना रात भर के क्याम करने से अफजल है। हजरत फजील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत हसन का कौल है कि गौर व फिक्र और मुराकबा एक ऐसा आईना है जो तेरे सामने तेरी बुराइयां भलाइयां पेश कर देगा। हजरत सुफियान बिन उनैया फरमाते हैं, गौर व फिक्र एक नूर है जो तेरे दिल पर अपना परतू डालेगा। और बाज़ुकात ये शेर पढ़ते, जिस इंसान को बारीक बीनी और सोच समझ की आदत पड़ गई, मैं तर्जमा कर रही हूँ, इससे हर चीज में एक इबरत और आयत नजर आती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुश नसीब है वो शख्स जिसका बोलना जिक्र अल्लाह और नसीहत हो और उसका चुप रहना गौर व फिक्र हो और उसका देखना इबरत और तंबी हो। लुकमान हकीम का नसीहत मौज मकूला भी याद रखे, तन्हाई की गोशा नशीनी जिस कदर ज्यादा हो उसी कदर गौर व फिक्र और दूर अंदेशी की आदत ज्यादा होती है, और जिस कदर ये बढ़ जाए इस कदर रास्ते इंसान पर खुलने शुरू हो जाते हैं जो उसे जन्नत में पहुंचा देंगे। हजरत वाह बिन बम्बा फरमाती हैं, जिस कदर मुराकबा ज्यादा होगा इस कदर समझ बोझ तेज होगी, और जितनी समझ बोझ ज्यादा होगी इतना इल्म नसीब होगा, और जिस कदर इल्म ज्यादा होगा नेक अमाल भी बढ़ेंगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह लेकर शाद है कि अल्लाह ताला के जिक्र में जुबान का चलाना बहुत अच्छा है और अल्लाह की नेमतों में गौर व फिक्र करना अफजल इबादत है। हजरत मुगीस अस्वद रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में बैठे हुए फरमाते हैं, लोगों कब्रिस्तान हर रोज जाया करो ताकि तुम्हें अंजाम का ख्याल पैदा हो, फिर अपने दिल में इस मंजर को हाजिर करो कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो, फिर एक जमात को जहन्नुम में ले जाने का हुक्म होता है और एक जमात को जन्नत में ले जाने का, अपने दिलों को इस हाल में जज़्ब कर दो और अपने बदन को भी वहीं हाजिर जान लो, जहन्नुम को अपने सामने देखो, इसके हथौड़ों को इसकी आग हथौड़ों को अपने दिलों को इस हाल में जज़्ब करो और इसके हथौड़ों को इसकी आग के कैद खानों को अपने सामने लाओ। इतना फरमाते दाढ़े मार मर को उन्होंने लग जाते यहाँ तक के बेहोश हो जाते। हजरत अब्दुल्ला मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक शख्स एक राब से कब्रिस्तान और कूड़ा करकट पखाना और बिशावली डालने की जगह पर मुलाकात की, उससे कहा, ऐ बंदा हक, इस वक्त तेरे पास दो खजाने हैं, एक खजाना लोगों का यानी कब्रिस्तान और दूसरा खजाना माल का यानी कूड़ा करकट पेशाब पखाना डालने की जगह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अला अनु खंडरात में जाते और किसी टूटे फूटे दरवाजे पर खड़े रहकर निहायत हसरत और अफसोस के साथ भारी आवाज में फरमाते, ऐ उजड़े हुए घरों, तुम्हारे रहने वाले कहाँ गए? फिर खुद फरमाते, सब सैर जमीन चले गए, सब जेर जमीन चले गए,
सब फना का जाम पी चुके, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही हमेशा की मालिक है, जो हमेशा उस जिसको बका है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, दो रकतें जो दिल के साथ अदा की जाएँ उस तमाम नमाज से अफजल हैं जिसमें सारी रात गुजार दी जाए लेकिन दिलचस्पी ना हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्ने आदम अपने पेट के तीसरे हिस्से में खा, तीसरे हिस्से में पानी पी और तीसरा हिस्सा इन सांसों के लिए छोड़ जिसमें तो आखिरत की बातों पर, अपने अंजाम पर और अपने अहलो ईमान पर गौरव फिक्र कर सके। बास हकीमों का कौल है, जो शख्स दुनिया की चीजों में इबरत हासिल किए बगैर नजर डालता है इस गफलत की वजह से उसकी दिली आंखें कमजोर हो जाती हैं। हजरत बशीर बिन हारिस हानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, अगर लोग अल्लाह ताला की अजमत का ख्याल करते तो हरगिज इनसे नाफरमानियां ना होती। हजरत आमिर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बहुत से सहाबा से सुना कि ईमान की रोशनी तो गौरव फिक्र और मुराकबा है। मसीह इब्ने मरियम से इधन हजरत ईसा अलैह सलाम का फरमान है कि इब्ने आदम ए ज़ईफ इंसान, जहाँ कहीं तू हो अल्लाह ताला से डरता रहे, दुनिया में आजी और मस्कीनी के साथ रहे, अपना घर मस्जिदों को बना ले, अपनी आंखों को रोना सिखा, अपने जिस्म को सबर की आदत सिखा, अपने दिल को गौरव करने को फिक्र करने वाला बना, कल की रोजी की फिक्र आज न कर। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा मजलिस में बैठे हुए रो रहे थे, लोगों ने वजह पूछी, आपने फरमाया मैंने दुनिया में उसकी लज्जतों में उसकी ख्वाहिशों में गौरव फिक्र किया और इबरत हासिल की, जब नतीजे पे पहुंचा तो मेरी उमंगें खत्म होगी। हकीकत यह कि हर शख्स के लिए इसमें इबरत और नसीहत है और वाजो बंद है। हसन बिन अब्दुलरहमान रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने अशआर में इस मजमून को खूब निभाया। बस अल्लाह ताला ने अपने इन बंदों की मदा और सना बयान की जो मखलूकात और कायनात से इबरत हासिल करें, और नसीहत ने और इन लोगों की मजम्मत बयान की जो कुदरत की निशानियों पर गौर न करें। मोमिनों की मदा में तारीफ में बयान फरमाया, लोग उठते बैठते लेटते अल्लाह सुबहान तआला का जिक्र करते हैं और समान और जमीन में गौर फिक्र करते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह तूने अपनी मखलूक को आबासा और बेकार नहीं बनाया बल्कि हक के साथ पैदा किया ताकि बुरों को बुराई का बदला और नेकों को नेकियों का बदला अता फरमाए। फिर अल्लाह इनकी पाकिजगी बयान करते हैं, फिर अल्लाह की पाकिजगी बयान करते हैं कि तू इस से बरी है कि किसी चीज को बेकार बनाए। ए खालिक कायनात, ए अदल और इंसाफ से कायनात को संभालने वाले, ए नुकसान और ऐबों से पाक जात, हमें अपनी कुव्वत और ताकत से इन अमाल की तौफीक और अता फरमा और हमारा रफीक बन जिनसे हम तेरे अजाबों से निजात पाएं और तेरी नेमतों से माला माल होकर जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो यूं भी कहते हैं, ए अल्लाह जिसे तू जहन्नुम में दे गया तो उन्हें बर्बाद और ज़लील ख़ुआर कर दिया, मजमे हशर के सामने उसे रुसवा किया, जालिमों का कोई मददगार नहीं, इन्हें ना कुछ छुड़वा सकता है ना बचा सकता है, तेरे इरादे के ना दरमियान कोई आ सकता है। ए अल्लाह हम सबको माफ फरमा और अब जिक्र करने वाली जबान और सब्र करने वाला जिस्म और शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।